बनाएंगे कंडेंस्ड मिल्क घर पर ही, लेकिन टेक्सचर और टेस्ट बिल्कुल बाजार जैसा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मधुज ऑनलाइन रेसिपीज। कंडेंस्ड मिल्क को आप केक बनाने में, आइसक्रीम बनाने में, स्वीट्स में, डेजर्ट्स में बहुत जगह इसका यूज आता है। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर से दबाएं। सबसे पहले हमने एक पैन ले लिया है, उसमें हम लोग डालेंगे आधा लीटर दूध। दूध मैंने यहाँ पे टोन मिल्क यूज़ करा है, आप चाहे तो यहाँ पे फुल क्रीम भी ले सकते हैं। और यहाँ पे एक मेरा बाउल है जो कि 200 ml का, इसलिए मैंने 2.5 यहाँ पे बाउल दूध लिया है जो कि हमारा 500 हो गया। इसके साथ में हम लोग डाल देंगे यहाँ पे चीनी, ये हमारी 100 ग्राम है। ये एकदम परफेक्ट प्रोपोर्शन है कंडेंस्ड मिल्क के लिए, 500 ml में 100 ग्राम आपकी चीनी। फ्लेम हमारी यहाँ पर अभी गैस का फ्लेम हमारा तेज रहेगा हाई पर बॉयल आने तक। और चीनी हम लोग यहाँ पे इसलिए डालते हैं ताकि इसका क्रीमी टेक्सचर बन करके आए। ये बॉयल आ चुका है हमारे दूध में, तो अब इस फ्लेम को हम लोग कर देंगे मीडियम। अगर आप इसे फ्लेम हाई पर बनाना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू इसे आप हिलाते रहिए, आप चाहें तो फिर हाई पर आप इसे कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे मीडियम पर ही रख करके इसे बीच बीच में हिला करके 5-1 मिनट तक और इसे पकाऊंगी इसी तरह से, जब तक कि आधे से थोड़ा ज़्यादा ना रहे तब तक मैं इसी तरह से इसे रखूंगी। ये देखिए हमारा दूध आधा से ज़्यादा कम, मतलब जैसे बॉयल हुआ है। अब इसे मैं हिला हिला करके मैं इसे पकाऊंगी। हमारी फ्लेम इस समय भी मीडियम ही रहेगी और जो किनारे में जो भी लगा रहेगा पैन में वो हमें बीच बीच में इसे मिला लेना है दूध के साथ में, क्योंकि इसी से हमारा ये क्रीमी बनेगा। ये देखिए दूध हमारा लगभग आधा हो चुका है, टेक्सचर कलर देखिए आपका इसका चेंज हो चुका है हमारे दूध का, लेकिन अभी भी ये थोड़ा पतला है, इसे थोड़ा सा ही और पकाना है। ये हमारा दूध का देखिए कितना थिक हो चुका है। फ्लेम को अब इस स्टेज पर हम लोग कर देंगे लो। ये आपको कंसिस्टेंसी मैं दिखा देती हूँ कितना थिक हो गया है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें करना है, वो अब यहाँ पर हम लोग डालेंगे। सबसे पहले यहाँ बेकिंग सोडा, 1 पिंच जितना बेकिंग सोडा हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। बेकिंग सोडा डालने से ही उसके बाद इसे मिलाएंगे और यहाँ पे हम लोग देखेंगे उसमें बबल्स आने लग जाते हैं और ये फ्लफीनेस इसमें आ जाती है। इस समय कंटिन्यू इसे आप हिलाते रहें, एकदम बिल्कुल भी नहीं छोड़े। और जैसे ही बबल्स आ गए हम लोग फ्लेम को बंद कर देंगे यहाँ पर। अब इसे लगातार आप हिलाते रहे ताकि उसका जो टेक्सचर है क्रीमी हो जाएगा और एकदम फ्लफी जैसा आ जाएगा आपका, बिल्कुल बाजार जैसा जो कंडेंस्ड मिल्क बनता है उस तरह से। आप लगातार बस इसे हिलाते रहें, इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़े। और फ्लेम अगर आप ऑन रखते हैं तो आपका लगने का बहुत चांस रहता है, इसीलिए फ्लेम को याद से बंद कर दीजिएगा उसी समय। आप देख सक रहे हैं कि टेक्सचर हम लोग का कितना चेंज हो रहा है, क्रीमीनेस हमें दिख करके आ रही है उसके अंदर में, एकदम स्मूदी जैसा दिख करके वो आ रहा है चीज। अब इसे हम लोग ठंडा इसी तरह से हिलाते हुए इसे ठंडा करेंगे। ये देखिए हमारा कंडेंस्ड मिल्क तैयार हो चुका है, ये बिल्कुल ठंडा हो गया है एकदम। इसका टेक्सचर और आप देख सकते हैं थिकनेस कितनी अच्छी आई है, इसका टेस्ट भी एकदम परफेक्ट आपका उसके जैसा ही बाजार जैसा ही बनेगा। अब इसे हम लोग एयर टाइट जार के अंदर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये लगभग हमारे 200 ml के आसपास जितना हमारा ये कंडेंस्ड मिल्क बन करके तैयार हो जाता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपका है ये, आप इसे फ्रिज में रख करके स्टोर कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई रेसिपीज़। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।